भुवनेश्वर में 9 जून से चार देशों का इंटर कॉन्टिनेंटल कप शुरू होने जा रहा है और इसमें भारत की फुटबॉल टीम के अलावा 3 अन्य देशों के फुटबॉल टीमें शिरकत करने जा रही हैं। इस फुटबॉल टूर्नामेंट में भारतीय फुटबॉल टीम की क्या संभावनाएं हैं और किनसे उनका मुकाबला होने जा रहा है, आज बताऊंगा। और साथ ही बताऊंगा भारत के उन की प्लेयर्स के बारे में जिनके प्रदर्शन पर भारत की संभावनाएं टिकी हुई हैं। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज़ बाई स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत को एएफसी एशियन कप में खेलना है और उसके पहले जो इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं वो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर उसे अपनी फीफा रैंकिंग भी सुधारनी है तो इन मैचेस में, जो कि इंटरनेशनल मैचेस फीफा ब्रैकेट में होते हैं, उसमें जीत हासिल करनी है। और उस लिहाज से भुवनेश्वर में 9 जून से खेला जाने वाला इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप भारत के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। अगर मैं कहूं कि इसमें कौन कौन सी टीमें हिस्सा ले रही हैं, तो भारत के अलावा मंगोलिया, लेबनान और वनुआतू की टीमें जो है वो इसमें हिस्सा ले रही हैं। अगर इन टीमों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि एकमात्र लेबनान ही ऐसी टीम है जिसकी रैंकिंग भारत से अच्छी है, वरना बाकी जो दो टीमें हैं उनकी फीफा रैंकिंग भारत से नीचे है। मतलब मंगोलिया और वनुआतू की रैंकिंग भारत से कम है। और जहां तक अगर हम लेबनान की बात करें तो उसकी रैंकिंग भारत से 2 पायदान ज्यादा है, मतलब वो 99वें फीफा रैंकिंग पर है और भारत 101वें नंबर पर है, मतलब 101 रैंकिंग है भारत की फीफा रैंकिंग। खैर, हम आते हैं मुकाबले पर और हम बता दें कि 9 जून को भारत अपना पहला मैच खेलेगा और वो खेलेगा मंगोलिया से, जिसकी की फीफा रैंकिंग 183 है। लेकिन आपको बता दूं कि मंगोलिया की टीम जो है उसने कुछ रिसेंट पास्ट में अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि जहां तक जीत का सवाल है तो पिछले 9 मैचों में उसे सिर्फ 2 में ही जीत मिली है, लेकिन रिसेंट पास्ट में उन्होंने मुकाबला किया है और फुटबॉल के मैदान पर उनका प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जो पलड़ा है वो भारत का भारी रहेगा इस मुकाबले में। और इसकी वजह एक और भी है, फुटबॉल के इतर अगर हम बात करें तो वो ये है कि जो मंगोलिया की जो राजधानी है उलान बतर, अगर हम उसकी बात करें तो उसे कोल्डेस्ट कैपिटल कहा जाता है। और उस ठंड में रहने वाले लोग जब यहां भुवनेश्वर की गर्मी में खेलेंगे तो उसके साथ एकोमोडेट करने में उन्हें परेशानी हो सकती है। तो अगर हम अगले मैच की ओर बढ़ते हैं, हम अगला मैच 12 जून को भारत खेलेगा और उसका मुकाबला होगा वनुआतू के साथ। और वनुआतू के बारे में आपको बता दूं कि ये आइलैंड नेशन है, पॉपुलेशन बहुत कम है, 3 लाख के आसपास, लेकिन फुटबॉल वहां बहुत लोकप्रिय है। लेकिन इस मैच में भी भारत का पलड़ा जो है वो भारी दिखता है। लेकिन जो असली मुकाबला है भारत का वो 15 जून को होगा और जब लेबनान की टीम उसके सामने होगी, क्योंकि भारत और लेबनान की टीमें अब तक 7 मुकाबले खेल चुकी है और ये 8वीं भिड़ंत होने जा रही है इस 15 जून को। तो जो 7 मुकाबले भारतीय टीम खेली है उसमें सिर्फ 1 में उसे जीत मिली है लेबनान के खिलाफ, और वो भी बहुत पहले 1977 की बात है जब भारतीय फुटबॉल टीम ने 4-2 से जीत दर्ज की थी लेबनान के खिलाफ। अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो 1 जीत है भारत के नाम, 2 ड्रॉ है और इसके अलावा 4 मैच में लेबनान की टीम ने भारत को पराजित किया है। लेकिन ये थोड़े पीछे की बात है, अब भारतीय टीम बहुत बदली है। सुनील छेत्री के नेतृत्व में भारत की फुटबॉल टीम लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है और इतना बेहतर है कि अगर हम बात करें तो जो लास्ट 5 इनकाउंटर हुए हैं भारतीय फुटबॉल टीम के भारत में, उस 5ों में जो है भारतीय टीम जीती है, तो अपराजय रही है। तो ये एक जो है सुखद संकेत है भारतीय फुटबॉल टीम के लिए। अब अगर हम बात करें कि की प्लेयर्स कौन कौन होंगे भारतीय टीम में, तो सुनील छेत्री के अलावा हम बात करते हैं, सुनील छेत्री का अनुभव तो भारत के काम आएगा ही, उन पर बहुत कुछ निर्भर होने वाला है ये 4 नेशन फुटबॉल टूर्नामेंट के परिणाम का जहां तक सवाल है।
अब अगर हम बात करें कि और कौन कौन से खिलाड़ी हैं भारत के जिन पर की हमारी नजरें होंगी, उसमें जैक्सन सिंह हैं। जैक्सन सिंह के बारे में आपको बता दूं कि जैक्सन सिंह वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने फीफा विश्व कप में भारत के लिए गोल किया है। जी ये मैं सीनियर फीफा विश्व कप की बात नहीं कर रहा, अंडर 17 बॉयज फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था तो कोलंबिया के खिलाफ जो है वो जैक्सन सिंह ने गोल दागा था, और ये फीफा वर्ल्ड कप में गोल करने वाले वो पहले भारतीय हैं। इसके अलावा वो देखिए डिफेंडर हैं, लेकिन उनकी खासियत ये है कि वो बीच में मिडफील्ड में भी आते हैं और फिर अटैक भी बनाते हैं। तो जैक्सन सिंह के प्रदर्शन पर भारत की संभावनाएं बहुत कुछ निर्भर करने वाली हैं। जो दूसरे खिलाड़ी की चर्चा मैं करूंगा वो रहीम अली हैं। अब चूंकि मनवीर सिंह यहां नहीं खेल रहे हैं तो रहीम अली पर जिम्मेदारी बड़ी है और उन्हें अपने आप को प्रूव करना है, उन्हें ये बताना है कि वो भारत के लिए गोल कर सकते हैं। इसके अलावा जब मैं तीसरे खिलाड़ी की एक और बात कर रहा हूं तो वो नौरे महेश सिंह हैं जो कि विंगर हैं, लेफ्ट विंग से वो खेलते हैं और मूव बनाने की जिम्मेदारी उनकी होगी और उनका हालिया प्रदर्शन बेहतरीन रहा है तो हम उम्मीद करते हैं कि नौरे महेश सिंह अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा जो एक बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं सुनील छेत्री के अलावा वो हैं छांगटे। छांगटे लल्ली ज्वाला छांगटे हैं ये, और ये अपने फॉर्म के पिक पर हैं और अभी आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपने शीर्ष स्तर को लगभग छू लिया है और वो भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हो जाते हैं, बिल्कुल टॉप गियर में हैं और उनके प्रदर्शन पर भारत की टूर्नामेंट जीत की संभावनाएं डिपेंड करती हैं। इसके अलावा सुनील छेत्री का अनुभव तो काम आने वाला है ही। तो ये पांच खिलाड़ियों की चर्चा मैंने की, इसके अलावा अगर अन्य खिलाड़ी सहयोग देते हैं तो आप मान कर चलिए कि ये जो चार देशों का इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप का आयोजन भुवनेश्वर में होने जा रहा है उसका खिताब भारत के नाम हो सकता है। भारत की फुटबॉल टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं, अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।